गाइज मैं आपसे एक वियर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको किस करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? किस करेंगे भाई और क्या करेंगे? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये आप लोग का कॉमन आंसर होगा, मगर मैं कहूँ कि आप किस तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ लाइन में लगना हो तब। तुझको आइडिया भी है? तुझको आइडिया भी, तू क्या बोल रहा? आप भी सोच रहे होंगे कि ससुरा क्या बवाल है, आधी जिंदगी प्यार को मिस करने में गुजरी, अब किस करने का मौका आया तो लाइन लगवा रहे हैं। आज ये बिल्कुल सही है अगर आप मेक्सिको के गुआनायुआटो में होंगे। दरअसल दोस्तों मेक्सिको के गुआनायुआटो में एक पतली सी गली है जिसे कैलजोन डेल बेसो कहते हैं। इसका मतलब है कि प्यार की गली। इस पतली सी गली में कपल किस करने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये गली इतनी पतली है कि आमने सामने के घर वाले अपनी खिड़की में से एक दूसरे के घर में झांक सकते हैं। फरवरी महीने में यहाँ अपने पार्टनर को किस करने के इरादे से सैकड़ों की संख्या में कपल्स पहुँचते हैं इस गली में। मगर सवाल यह है कि दुनिया जहान छोड़कर लोग इस गली में किस करना क्यों चाहते हैं? आखिर राज क्या है इस गली का? दरअसल प्यार और चाइना का माल एक जैसा होता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और फिर इस जगह की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी कपल किस करेगा वो अगले 15 साल तक मौज में रहेगा। इस मान्यता के पीछे भी एक कहानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कभी यहाँ दो प्रेमी एना और कार्लोस रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर एना एक अमीर खानदान की लड़की थी और कार्लोस गरीब, जो कि नॉर्मल स्टोरी आप लोग फिल्म में जरूर देखे होंगे। ऐसे में दोनों इस गली में छिप छिप कर मिलते थे और किस करते थे। एक दिन एना के पिता ने उन्हें रंगो हाथ पकड़ लिया, धमकी दी दोबारा ऐसा हुआ तो वो जान से मार देंगे। लेकिन दोनों नहीं माने, दोनों फिर से गली में गए और किस करने लगे और पकड़े गए। एना को उसके पिता ने कटार से मार दिया। एना को बचाते हुए कार्लोस की भी मौत हो गई। दोनों की मौत जिस गली में हुई उसी गली को बाद में एले ऑफ द किस नाम दिया गया, जिसका मतलब है प्यार की गली। तब से यही मान्यता चल पड़ी है कि इस गली में जो कपल किस करेगा उसकी जिंदगी अगले 15 साल तक खुशहाल रहेगी। मेक्सिको आने वाले कपल इस गली में आकर बालकनी पर अपना नाम लिखते हैं और खिड़की पर ताले लगाते हैं। वैसे 15 साल के इस हिसाब के पीछे कोई तर्क नहीं है और न ही इस कहानी की सच्चाई के बारे में कुछ कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ आने वाले कपल इसे मानते हैं ताकि जिंदगी भर साथ खुश रह सके। बाकी दोस्तों जैसी जिसकी सोच। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फैक्ट ट्रैकर को फॉलो जरूर करिएगा।